हेलो फ्रेंड्स, हम आज विस्तार बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड है। हम सभी ने कभी ना कभी टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी है, जैसे अवेंजर्स एंड गेम, हाल ही में रिलीज हुई मूवी। इसमें भी हीरोज टाइम ट्रेवलिंग करते हैं। टाइम स्टोरी और एक्शन रीप्ले। नीचे सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू, बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station. And he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. इस पैराग्राफ से हमारे नैरेटर भाई साहब का मानना है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो टाइम टेबल्स की कसम खा के भी कह सकते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे दो ही लेवल हैं। पर हमारे नैरेटर भाई साहब का कहना है कि वहाँ पे तीन हैं और वो तीसरे पे जा भी चुके हैं। अब ऐसे में ये बात ऑब्वियस है कि लोग उन्हें पागल कहेंगे, तो उनका कहना है कि वो उनके फ्रेंड जो एक साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास भी जा चुके हैं अपनी समस्या बताने के लिए। जो फ्रेंड हैं साइकेट्रिस्ट, उनका कहना भी है कि वो उस टाइम थोड़े अनहैप्पी थे। ये सुन के हमारे नैरेटर की श्रीमती जी पागल हो जाती हैं, मतलब उन्हें थोड़ा शौक वगैरह लगता है। पर उन्हें थोड़ा दिलासा दिलाते हुए साइकेट्रिस्ट का कहना है कि वो जो नैरेटर को अनहैप्पी बता रहे हैं, उनका ये मतलब था कि आजकल के ज़माने में इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी और ये जो सारी बुरी चीज़ें हैं, ये बुरी तरह फैली हुई हैं। हम रीडर्स को बता दें कि ये जो बुक है ये 7 अक्टूबर 1950 को लिखी गई थी, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जस्ट 5 साल बाद था। और जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था, लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उससे उभरने में। इसलिए जिस टाइम ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पे हर जगह दुख ही दुख फैला हुआ था। तो अब हमारे जो नैरेटर के दोस्त हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, हर कोई इस टाइम से निकल जाना चाहता है, हर कोई पीछे वाले टाइम में जाना चाहता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में घूमते फिरें। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। फ्रॉम ऑल आई हियर ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. पर साइकेट्रिस्ट का कहना था कि यही रीज़न है जो उन्हें लगा कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए, और दो नैरेटर के सारे फ्रेंड्स ने भी इस बात को एग्री किया। हर बात इसी चीज़ पे पॉइंट करती है कि वो पहले के टाइम में जाना चाहते थे। जैसे कि हमारे नैरेटर भाई साहब को स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी, वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। पर जरूरी नहीं कि स्टैम्प कलेक्ट करते हों तो वो पागल हों, उनके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। पर उनके दादाजी जब स्टैम्प कलेक्ट करते थे उस टाइम सब कुछ पीसफुल था, जितना भी नैरेटर ने सुनाया उसके हिसाब से। और जो नैरेटर का कलेक्शन है वो असल में उनके दादाजी ने ही स्टार्ट किया था, हमारे नैरेटर भाई साहब ही उनके कलेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक शानदार कलेक्शन भी है जिसमें हर US इशू के फर्स्ट डे कवर्स के चार चार स्टैम्प्स के सेट हैं। एक और ये बात भी है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे।
Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब हमारे नरेटर भैया जी बताते हैं कि उस रात क्या हुआ था। पिछली गर्मियों की एक रात में उन्होंने ऑफिस में लेट तक काम किया था और वो अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में थे, सो उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन लेने के लिए डिसाइड किया क्योंकि ट्रेन जो थी वो बस से जल्दी जल्दी थी। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबार्डिन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट एंड ए फैंसी बैंड। I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lisa, my wife. अब हमारे नरेटर भैया जी बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ ही क्यों हुआ। वो एक आम आदमी हैं जिनका नाम चार्ली है, उनकी उम्र 31 ईयर्स है, और वो एक 10 गबार्डिन सूट पहने हुए थे और एक स्ट्रॉ हैट थी जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड भी था। उन्होंने रास्ते में खुद से मिलते जुलते लगभग एक दर्जन लोगों को भी क्रॉस किया और वो एकदम नॉर्मल थे और वो किसी चीज़ से भागना या किसी पिछले टाइम वगैरह में नहीं जाना चाहते थे। वो बस खुद के घर जाना चाहते थे, उनकी पत्नी लोइसा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century। देन आई वॉक डाउन another flight to second level where the suburban trains leave from, dug into an arc doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building of 46th Street, 3 blocks away. हमारे नरेटर भैया बताते हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वेंडरबिल्ट एवेन्यू के सामने जो सीढ़ियाँ हैं उससे एंटर हुए, नीचे उतरे सीढ़ियों के फर्स्ट लेवल में आए जहाँ हम 20th century के लिए नॉर्मली ट्रेन लेते हैं। फिर वो एक और बार सीढ़ियाँ उतरे और सेकेंड लेवल पर आए जहाँ पर सबअर्बन ट्रेन्स मिलती हैं, उसके अंदर एक आर्क डोरवे के अंदर घुसे और खो गए। पर ये कोई खास बात नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर कई हज़ार बार आए होंगे पर वो अभी भी कई बार नए डोरवेज नए रास्तों में निकल जाते हैं जो हमेशा इधर से उधर रहते हैं, जो उनके लिए हमेशा नए होते हैं। जैसे एक बार वो एक ऐसी सुरंग में घुस गए थे जो एक मील लंबी थी और वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकले। दूसरी बार की बात बताते हैं वो कि एक और बार वो खो गए थे और वो 46th स्ट्रीट में निकले जो वहाँ से 3 ब्लॉक्स अवे था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल has been an exit, a way of escape, and maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend that idea. हमारे narrator भैया जी को लगता है जो Grand Central Station है उसके staircases, उसकी tunnels और उसकी doorways एक बड़े पेड़ की roots और branches की तरह उगती ही जा रही हैं, grow होती जा रही हैं, जो हमेशा कोई ना कोई कहीं ना कहीं नया रास्ता खोल देती हैं। और हो सकता है कि अभी भी हमारे पूरे शहर के नीचे से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कोई एक बड़ी सारी टनल जा रही हो, टाइम्स स्क्वायर मॉल तक हो, या फिर हो सकता है सेंट्रल पार्क तक भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की टनल्स हैं वो भागने का और एस्केप करने का एक वे है। और इसीलिए शायद मैं भी उस टनल में चला गया था, पर मैंने ये आइडिया मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment,
I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were few ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve. The lights were dim and a sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. वो आगे बताते हैं कि वो जिस कॉरिडोर में जा रहे थे वो लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे मुड़ने लगा और नीचे की तरफ उसकी ढलान होती जा रही थी। नैरेटर को लगा भी एक बार कि वो गलत रास्ते पे हैं, पर फिर भी वो चलते गए। उन्हें सिर्फ खुद के ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और उन्हें रास्ते में कोई भी नहीं मिला। फिर उनको काफ़ी देर बाद में आवाज़ सुनाई दी जो जनरली किसी टनल के खुलने पे जो रोर और जो आवाज़ सुनाई देती है आगे आगे काफ़ी सारे लोगों के होने की, वो सुनाई दी। टनल आगे जाके शार्पली लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। उसके बाद में नैरेटर कुछ सीढ़ियाँ उतरते हैं और उसके बाद वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं। एक बार तो नैरेटर को लगता है कि वो सेकंड लेवल पे ही दोबारा आ गए, पर फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे जो रूम था वो थोड़ा स्मॉल था और जो टिकट विंडोज़ थी और जो ट्रेन गेट थे वो थोड़े कम थे, और साथ में जो इंफॉर्मेशन बूथ्स होते हैं वो भी लकड़ी के बने हुए थे और थोड़े पुराने लग रहे थे। जो मेन बूथ में थे उन्होंने एक ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी जिसमें लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर थे। वहाँ पे जो लाइट्स थी वो डिम थी और फ्लिकर कर रही थी। फिर बाद में नैरेटर लाइट के सोर्स की तरफ देखते हैं और फिर उन्हें समझ में आता है कि ये कोई बल्ब नहीं थी, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। देयर वर ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890-something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate and she wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and ice locomotives with a funnel shaped stack. And then I knew. Narrator bhai saab dekhte hain ki jo floor tha uspe upar metallic pots jo koi bhi cheez ko thookne ke liye use karte hain, kisi cheez ke spit karne ke liye use karte hain, wo the. और तभी एक चमक, किसी चीज़ की चमक उनका ध्यान आकर्षित करती है। तब उन्हें पता लगता है कि एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से एक गोल्डन वॉच निकाल रहा था टाइम देखने की। ये पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी ऐसी घड़ी। उसने एक चार बटन वाला सूट पहना था जिसपे टीनी लेपल्स थे और उसकी एक बड़ी काले रंग की मुस्टैश थी। इस फोटो में आपने देखा होगा कि मुस्टैश, हैंडल बार मुस्टैश कैसी होती है, पर मैं आपको थोड़ी फैमिलियर फ़ोटो दिखाता हूँ हैंडल बार मुस्टैश की। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे त्रिलोक विजेता लंकाधिपति पराक्रमी महाराज रावण के छोटे भाई की मुस्टैश। फिर नैरेटर इधर उधर स्टेशन में देखते हैं और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो सारे लोगों ने ऐसे ही ड्रेसअप्स पहन रखे थे। उन्होंने कभी इतने सारे दाढ़ी वाले लोग, इतने अजीब अजीब तरह के मूंछ वाले और साइड बर्न्स वाले लोग पहली बार कभी नहीं देखे थे जीवन में। फिर वो एक वुमेन को जाते हुए देखते हैं ट्रेन गेट की ओर। उन्होंने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी, ये आपको फोटो में दिख रही है जो, और एक स्कर्ट भी और स्कर्ट पहनी हुई थी उनके हाई बटन शूज़ के ऊपर। उनके पीछे नैरेटर देखते हैं कि जो एक लोकोमोटिव है, एक स्मॉल करियर भी है, आइव्स लोकोमोटिव भी है जिसके एक फनल शेप्ड स्टैक है। ये सारी पुराने टाइप्स की ट्रेन्स हैं। और इसके बाद नैरेटर का जो डाउट था कि वो पहले के टाइम में आए हुए हैं वो कंफर्म हो जाता है। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894.
क्या वो सच में पुराने टाइम में आए हैं, ये कंफर्म करने के लिए वो वहाँ पे रखा एक ताज़ा प्रिंटेड न्यूज़पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। पर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो काफ़ी पहले से ही पब्लिश होना बंद हो गया था। ये जो न्यूज़पेपर है इसके फ्रंट पेज पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कोई न्यूज़ थी। ये वाली न्यूज़ आपको पब्लिक लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी June 11, 1894, जबकि जो नैरेटर है वो 1950 के टाइम में है। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस। नैरेटर कहते हैं कि वो टिकट विंडोज की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि बाद में उन्हें पता चल गया था कि यही वो जगह है ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे जो उन्हें और उनकी पत्नी लुइसा को जहाँ कहीं वो चाहें यूएस के अंदर ले जा सकती है 1894 वाले ईयर में। और इसीलिए नैरेटर चाहते हैं कि उन्हें गिल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए टिकट मिल जाए। हैव यू एवर बीन हियर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूट द स्ट्रीट्स। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat on their lawns and the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted two tickets for that. Ab narrator hame 1894 ki Galesburg, Illinois ki bare mein batate hain. Wo kehte hain ki एक वंडरफुल टाउन है जिसके अंदर बड़े ओल्ड फ्रेम वाले हाउस हैं जिनके सामने बड़े खूब एरिया में फैले हुए लॉन्स हैं और खूब बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर से मिलती भी हैं जो स्ट्रीट्स को कवर कर लेते हैं उनकी कैनोपी। 1894 में जो समर इवनिंग थी वो इस टाइम की यानी कि 1950 की इवनिंग से लगभग दुगनी हुआ करती थी, जिसमें जो मेल्स थे वो बाहर सिगार स्मोक करते करते और आपस में धीरे धीरे बातें करते थे और जो वुमेन थी वो वहाँ पे पान लीफ फैन से हवा करती थी और यहाँ पे आसपास में जुगनू यानी कि फायरफ्लाइज उड़ते रहते थे और बहुत ही ज़्यादा शांति वाला माहौल था। जो नैरेटर हैं वो उस जगह जाना चाहते हैं क्योंकि अभी उस जगह में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आने में 20 साल बाकी थे और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने में 40 साल बाकी थे और नैरेटर को उस जगह जाने के लिए सिर्फ दो टिकट्स चाहिए थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स वन वे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नोडेड एट द बिल्स, दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different-looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. Tickets initially, narrator, clerk के पास जाते हैं. Clerk fare calculate करता है, fare यानी कि जो भी किराया है, और फिर वो narrator के headband की तरफ देखता है, फिर वापस calculate करने में लग जाता है. Narrator के पास दो coach tickets के लिए काफी पैसा था. पर जब नैरेटर खुद के पैसे गिन के वापस सामने देखता है तो क्लर्क उनके दिए हुए पैसे की तरफ देख के कहता है, ये करेंसी नहीं है मिस्टर, और अगर आप मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा, आपको अरेस्ट भी करवाया जा सकता है। फिर क्लर्क अपने बगल में पड़े हुए कैश ड्रॉअर की तरफ दिखाता है। अब नैरेटर को रिलाइज होता है कि 1894 में जो मनी बिल्स थे वो अब जो चल रही करेंसी उसके लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा बड़े थे। सही बात है, जो क्लर्क है वो इस टाइम वाली करेंसी क्यों लेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो चलती ही नहीं थी, और नैरेटर जेल नहीं जाना चाहते थे इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल लिए। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच हावर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। You can buy old money at almost any coin dealers
but you have to pay a premium. My $300 bought less than $200 in old cell bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Narrator बताते हैं कि जो third level से उनका जो experience था third level से, वो बस इतना ही था, और वो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए. जब next day वो lunch hour में $300 वो अपने बैंक से निकलवा लेते हैं, यही लगभग उनका टोटल अमाउंट था उनके पास पुरानी करेंसी लेने के लिए. यही बात उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को परेशान करती है. हम अभी भी ओल्ड मनी ले सकते हैं, किसी भी कॉइन डीलर के पास मिल जाएगी, पर ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है. नैरेटर के अभी की करेंसी के जो $300 थे, उसने पुरानी करेंसी के $200 से भी कम लिए. पर नैरेटर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जैसे अभी हमारे इस टाइम एक रुपए की वैल्यू काफ़ी कम है, पर उस टाइम में एक रुपए में घर के सारे सामान के बाद में भी काफ़ी पैसे बच जाते थे. इसीलिए नैरेटर का कहना है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि सिर्फ 200 मनी बिल्स ही मिले पुराने टाइम के, क्योंकि उस टाइम जो एग्स थे 13 सेंट्स अ डजन थे. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल at Grand Central Station, although I have tried often enough. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that third level is still there. My friend Sam Viner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of palace, and that's where he is, all right, in 1894. Narrator भैया ने करेंसी वगैरह तो चेंज करा ली, पर वो कहते हैं कि उसके बाद में उन्हें वो कॉरिडोर कभी मिला ही नहीं. वो ग्रैंड सेंट्रल पे उन्होंने कई बार कोशिश की, पर उन्हें कभी वो कॉरिडोर नहीं मिला. अब उन्होंने यही बात घर जाके लुइसा को बताई, तो नेचुरल सी बात है ऐसे मामलों में पत्नियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं. लुइसा बहुत ज़्यादा घबरा गई. ढूंढना बंद कर देते हैं. पर अब कुछ गजब हुआ. अब नैरेटर और उनकी वाइफ दोनों उस लेवल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब एक प्रूफ था कि थर्ड लेवल वाला कॉरिडोर सच में है, क्योंकि जो नैरेटर का फ्रेंड है सैम वाइनर, वो खुद डिसअपीयर हो गए हैं. किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, पर नैरेटर और उसकी वाइफ को सस्पिशन है कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि सैम को भी कंट्री साइड वाली प्लेसेस पसंद थी, और नैरेटर भी उन्हें गेल्सबर्ग के बारे में बताया करते थे, क्योंकि नैरेटर खुद वहाँ पे स्कूल क्योंकि नैरेटर का स्कूल वहाँ पे ही था, और सैम को वो जगह हमेशा से ही पसंद थी, वो हमेशा वहाँ पे जाना चाहते थे. पर अब वो वहीं पे ही है, लेकिन 1894 वाले टाइम में. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वट ए फर्स्ट डे कवर इज. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some, use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cup. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. अब narrator भैया जी हमें बताते हैं कि उन्हें ये सब पता कैसे चला कि जो stamp है वो 1894 में है, क्योंकि एक रात जब वो अपने stamp collection के वो देख रहे थे, तो उन्हें उनका एक फर्स्ट डे कवर मिला. अब वो रीडर को बताते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो एक स्टैम्प खरीद के पहले ही दिन खुद को ही एक लेटर पोस्ट करते हैं, जिसमें वो डेट लिखी हो, जिससे कि उन्हें पता चले कि वो किस डेट को नई स्टैम्प इशू हुई थी. उस पोस्ट कार्ड को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है. उन्हें जनरली कोई कभी खोलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जनरली ब्लैंक पेपर ही डाला जाता है, कौन खुद को कोई खत लिखेगा. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर, बट देयर इट वॉज. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड इट हैज बीन देयर सिंस जुलाई 1894. द पोस्टमार्क शोड दैट, येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल. The stamp was a 6 cent,
dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. एक रात जब नैरेटर अपने सारे फर्स्ट डे कवर्स को देख रहे थे, तब उन्हें एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उनके दादाजी ने खुद को पहले दिन पर पोस्ट नहीं किया था, वो किसी और ने किया था, पर वो स्टैम्प पोस्ट होने के फर्स्ट डे ही था, इसलिए दादाजी ने उस स्टैम्प उस पेपर को खोला नहीं। ये जो लेटर था उनके दादाजी को ही आया था उनके गेल्सबर्ग वाले एड्रेस में। ये बात इस चीज़ से प्रूव होती है क्योंकि जो पोस्ट कार्ड था उसके ऊपर वही पुराना गेल्सबर्ग वाले घर के एड्रेस लिखा हुआ था, जिसपे डेट थी जुलाई 18, 1894। पर नैरेटर को ये याद नहीं आ रहा कि उनके दादाजी को ये लेटर कब भेजा गया था। ये जो स्टैम्प थी वो एक 6 सेंट वाली स्टैम्प थी, थोड़ी डल ब्राउन थी, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई थी। अब ये सीधी सी बात है, ये पहले ही दिन किसी नए स्टैम्प के साथ पोस्ट हुआ तो दादाजी ने वो लेटर तो खोला नहीं और उसे सीधा कलेक्शन में लगा दिया। अब नैरेटर ने वो लेटर खोला और उसे पढ़ा। जो पेपर था वो अंदर जनरली फर्स्ट डे कवर्स का ब्लैंक होता है, पर ये वाला ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। 1941 Willard Street, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Seeing Nelly Home and I am invited over for a lemonade. Come on back Charlie and Loisa, keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. अब नैरेटर बताते हैं खत में क्या लिखा था। 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894 लेटर का एड्रेस और डेट वगैरह थी। चार्ली, तो पहले मैं ख्वाहिश करता था कि काश तुम सही होते, पर अब मैं विश्वास करता हूँ कि तुम सही थे। चार्ली, यह सही है, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया और अब मैं थर्ड लेवल वाले वे से यहाँ पे 1894 में आया हुआ हूँ, गेल्सबर्ग में। मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 हफ्ते हो गए, इस टाइम मैं डेलीज फैमिली वाले स्ट्रीट में रह रहा हूँ और यहाँ पे वो उस टाइम अपने पोर्च में आके सीइंग नैली होम वाला गाना गा रहे हैं। उन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया है लेमनेड यानी कि नींबू पानी के लिए। चार्ली और लुइसा, तुम वापस आ जाओ, तुम सच में थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, तुम सच में यहाँ पे आके अप्रिशिएट ही करोगे। और नोट पे सैम का साइन था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट That's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois, but in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. बाद में स्टैम्प स्टोर और कॉइन स्टोर पर जाके नरेटर ने पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि जो सैम है उसने $800 के पुराने स्टाइल वाले करेंसी खरीदी थी। अब नैरेटर को समझ में आया कि $800 लेके गया वहाँ पे, काफ़ी मालदार आदमी बना हुआ था वो, और वहाँ पे वो अपना पुराना बिजनेस भी स्टार्ट करता है। वो हमेशा से चाहता था कि वो अपना पुराना काम जाके स्टार्ट करे, गेल्सबर्ग में नहीं 1894 में जाके। एक मिनट, पुराना काम? अब नैरेटर बताते हैं कि जो स्टार्टिंग में साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उन्होंने मेंशन किया था, जिस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को उन्होंने अपने 1894 वाले एडवेंचर के बारे में बताया था, वो कोई और नहीं, उनका दोस्त सैम ही है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।